ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है और इधर जशपुर में शिवलिंग की चोरी हो गई है। जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल खुड़िया रानी के मुख्य द्वार पर विराज शिव मंदिर से शिवलिंग की चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शिवलिंग चोरी की घटना 22 मई की रात की बताई जा रही है। इस मंदिर में बेगा पूजा करते हैं, जो घर में छूत के कारण बीते कुछ दिनों से मंदिर नहीं आ रहे थे। शिवलिंग के चोरी हो जाने की सूचना गाँव के उप सरपंच देवलाल यादव ने पुलिस को दी। सन्ना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 380 IPC के तहत जुर्म दर्ज कर शिवलिंग की तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवलिंग टूटा हुआ है और कल पूजा करने के लिए जब लड़की लोग यहाँ आए उस टाइम देखे कि वहाँ पे मतलब शिवलिंग नहीं है, ये पता चला। और मेरे को 5:30 बजे शाम को फोन किए लड़की लोग ही किए। उसके बाद मैं सुरेंद्र को बोला कि जाके थोड़ा फ़ोटो खिंचवा दो, वहाँ पर का स्थिति स्पष्ट होगा। मैं क्योंकि बगीचा में था और जब फ़ोटो खींच करके मंगवाई, इसके बाद मैं थाना वाले को, तहसीलदार को, बाकी लोगों को सूचना किया और ग्रुप में भी डाला मैं इसका फ़ोटो को, तब से पता चला। और ये पौराणिक मंदिर है, यहाँ पर कोई स्थापित तो है नहीं, और कितना पीढ़ी से यहाँ पर मंदिर में मतलब जो पूजा पाठ हो रहा था और होते आ रहा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। और अचानक इस टाइप का घटना घटा तो भाई हम लोग भी अचानक परेशान रहे कि भाई किस। बाद में फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया उप सरपंच यहाँ का कि शिव जी को कोई चोरी कर लिया है करके। उसके सूचना पाकर मैं मेरे स्टाफ के साथ में तत्काल यहाँ आया और पुजारी को और गाँव के गुप्ता जी को जगा कर मैं मंदिर में स्थल में पहुँचा। देखा तो गायब था शिव लिंग, गायब था जो स्थानीय पत्थर के था और उसमें तांबा का नाग देवता था, दोनों को गायब कर दिए थे। उसके बाद मैं यहीं पर अपराध कायम किया अज्ञात आरोपी के खिलाफ, थाना में जा कर के हालात SP साहब को बताया, उसके बाद अपराध कायम किया और श्रीमान SP महोदय द्वारा तत्काल सुबह पहुंचना बोलने से मैं अपना स्टाफ को लेकर के और डॉग स्टार्ट ने SP साहब भेजा और डिटेक्शन मैडम भी आए, SOP साहब आए, सभी बल लेके आए, आसपास को सर्च किया, खोजबीन किया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला।